नमस्कार साथियों, बाय वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबको सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि, है ना। चलो, जो आप लोगों का आज 5 दिन 6 दिन से क्वेश्चन है कि तुक्का लगाना चाहिए पैरामेडिकल में या नहीं, तो चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ आज कि लगाना चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी होगी, है ना। देखो, लगाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी पॉइंट जो बात है ना, बड़ी बात जो है वो है कि इस एग्ज़ाम में, यानी कि आपके पैरामेडिकल एग्ज़ाम में, झारखंड पैरामेडिकल एग्ज़ाम में, पहला बात तो निगेटिव मार्किंग है, और दूसरा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है फॉर्म अप्लाई किए हैं, ठीक है। अप्रॉक्स जो है 12,000+ स्टूडेंट जो है फॉर्म फिलअप किए हैं, जबकि आपको सीट पता है कि आपको 1600 के लगभग जो है सीट है सारे कॉलेज मिला करके, अगर प्राइवेट कॉलेज में भी अगर गवर्नमेंट के सीट्स को एक्वायर करें तो भी, है ना। तो आपको देखनी होगी कि एक सीट पर जो है मैक्सिमम लगभग जो है 800 से 900 बच्चा फाइट करेंगे, है ना। तो निगेटिव मार्किंग क्या करता है ना, 1/4 है निगेटिव मार्किंग, 1/4 है, ठीक है, इतना है। अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग बनाते हो, ठीक है, अगर एक क्वेश्चन गलत बनाते हो, तो आपका वो क्वेश्चन का तो मार्क मिलता ही नहीं है। लेकिन जो सही, आपने मान लो कि 10 क्वेश्चन सही बनाए हो, तो 10 मार्क्स जो आप ले करके बैठे हो ना, तो उसमें से 1/4 आपका माइनस हो जाएगा, 1/4, है ना, यानी कि 0.25 मार्क्स आपका माइनस हो जाएगा 10 मार्क्स 10 जो सही क्वेश्चन बनाए हो। तो यहाँ पर आपको क्या करेगा ना, एक तो पहले तो जो आपका नंबर है उसको घटाएगा, और दूसरा क्या करेगा कि जैसे आपका नंबर घटा, तो ज़्यादा स्टूडेंट होने के कारण अगर 0.1 मार्क्स से भी उसका ज़्यादा रह गया ना, तो पहले उसको सीट मिल जाएगी, है ना। तो दो चीज़ें जो मेन चीज़ है वो है निगेटिव मार्किंग, और प्लस में है कि मैक्सिमम, अगर मान लो कम बच्चा रहता तो जितना कम मार्क्स आता कट ऑफ उतना पर ही मिल जाता, लेकिन ज़्यादा बच्चा रहने के बाद क्या होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है दिमागी होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और वो रिक्स नहीं लेना चाहेंगे निगेटिव मार्किंग में आकर के तुक्का लगाने के लिए। तो जो है दिक्कत है दोनों पॉइंट, लेकिन फिर भी आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि मारे तो कैसे मारे, तो चलिए मैं खास तौर पर बता दे रहा हूँ। सबसे पहले चलिए OMR सीट भरने में पिछले बार एक बच्चे गलत किए थे, ठीक है। वो क्या किए थे कि जैसे मान लो यहाँ पर आपने रोल नंबर भरा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, मान लो सारा डिजिट यहाँ पर 0 है। उन्होंने क्या किया कि 0 इसमें भरने के जगह यहाँ पर गोला करने के वजह यहाँ पर कर दिया इसमें, और फिर इसको ऐसे से काट दिया, ऐसे कर दिया। ऐसे में रिजल्ट पेंडिंग जाने की डर रहेगी अगर ऊपर से चेक नहीं किया तो। इसीलिए आप हर एक जो लिखा हुआ ना लेटर, जो रोल नंबर इसमें बॉक्स में लिखिएगा ना, उसके ऐसे पेन रखते हुए उसके सामने गोला करना बहुत ध्यान से, भले 5 मिनट चल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको वो ध्यान से भरना है, क्लियर है। दूसरी बात देखो अब है कि किसको करना चाहिए। तो देखो मैं सिंपल सा बात बताऊंगा, सिंपल सी बात कहूंगा, अगर कोई बच्चे 100 क्वेश्चन सही बना लिए हो ना, 100 क्वेश्चन आपने सही बना लिए हैं, राइट बना लिए हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन राइट बनाए, प्लीज़ मत मारना तुक्का, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। आपको 100 नंबर में कॉलेज मिल जाएगी, 100 मार्क्स पर कॉलेज मिल जाएगी, 100 क्वेश्चन आपने बना लिए, लेकिन फिर भी आप अटेम्प्ट करते हैं, तो मान लो आपके पास 50 क्वेश्चन और बचती है। 50 क्वेश्चन अगर मान लो 50 में से 40 मान लो तुम्हारा गलत होता है, ठीक है, 40 गलत होता है, तो एक पर जो है 0.25 है, तो 1/4 है, तो मान लो 40 अगर गलत जाता है, ठीक है, और 10 सही जाता है, तो ये 10 जो है आपका 10 मार्क्स देगा, ठीक है, और ये 40 गलत होगा, तो 40 का 1/4 करोगे तो भी 10 होता है, तो आपका कुछ नहीं आएगा, है ना, मतलब लॉस कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर, तो 100 का 100 आपका बना रहेगा। अगर अब मान के चलो अगर आप 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है, और बाकी में तुक्का मारते हो, यानी कि 120 में तुक्का मारते हो, ठीक, 120 क्वेश्चन में तुक्का मारते हो, और 120 में से हम चलो एक्सेप्ट करते हैं, देखो सब तो सही नहीं होगा, है ना, हम मान लेते हैं चलो 50-50 पे लेके चलते हैं, सर 50-50 पे एक बार देखिए, मान लो कि 60 क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो गया, तो 1/4 करो इसका, और 60 क्वेश्चन सही हो गया तो 60 मार्क्स तुम्हारा हुआ, और इधर से कट करोगे तो 2 और 30 15 चौके 60, यानी कि 15 माइनस हो जाएगा, और इधर अगर 60 तुम्हारा सही लगा
तो 60 प्लस हो जाएगा, तो 60 में से माइनस करोगे तब भी प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन ये बात की भी गारंटी देंगे कि 120 में से 60 आपका तुक्का में सही नहीं होगा, 120 में से तुक्का में आपका 20 से 25 सही होगा, है ना, 20 से 25 सही होगा। और मान लो कि इधर से 80 अगर चला गया तो फिर माइनस मार्किंग ले आएगा, है ना। तो दोनों मैंने बातें बताई आपको कि किस तरह से करना है, ये पूरी पूरी अपने ऊपर रिस्क लेकर के आपको करना है। मैं कभी नहीं कहूँगा करने के लिए, जो बच्चे पढ़े हैं वो मत कीजिएगा। और देखो जिसका 100 100 क्वेश्चन अपने से बन जाए ना, प्लीज़ छोड़ के आ जाना, रिस्क मत लेना। उसके बाद भी अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं रिस्क ले, तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करना। एलिमिनेशन मेथड मतलब समझ रहे हो, चार ऑप्शन है ठीक है, 100 क्वेश्चन बना लिए, ए बी सी डी चार ऑप्शन है ठीक है। तो चार ऑप्शन में से पहले दो ऑप्शन को छांटना है पढ़ करके किसी भी तरह से। पहला दो ऑप्शन अगर गलत निकल गया, उसके बाद दो ऑप्शन अगर निकलना है, तो उसमें से जो है भगवान का नाम लेकर के मार देना है, या जो ज़्यादा सटीक लगे वो मार देना। मान लो यहाँ पर गलत और सही होने का 50-50 चांस है, लेकिन चार में से अगर आप कर देते हो निगेटिव मार्किंग वाला में, पॉजिटिव मार्किंग में तो कोई दिक्कत नहीं, लॉस तो कुछ नहीं है, जो होना है प्रॉफिट होना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लॉस ही लॉस है। इसलिए आप एलिमिनेशन मेथड का जरूर प्रयोग कीजिएगा, कि या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सटीकता या नज़दीक वाला जो क्वेश्चन लगता होगा उसी को टिक करना। ये ए बी सी डी मत करना निगेटिव वाला मार्क में, हम सीधा बोलेंगे कि चार को ए चार को बी को मत रंग देना, क्योंकि वो गलत हो जाएगा, है ना। तो एलिमिनेशन मेथड के द्वारा आप निगेटिव मार्किंग में तुक्का मार सकते हैं ठीक है। मान लो बी या सी में से कोई एक लग रहा है कि हाँ दोनों में दोनों लग रहा है कि हो सकता है, तो भगवान का नाम लेकर के जो मन में आ रहा है, मान लो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, जो मन में आ रहा है कि हाँ बी होगा, बी ज़्यादा लग रहा है तो बी मार दो। लेकिन ये दिमाग मत लगाना कि चार को ए कर देते हैं, चार को बी कर देते हैं, चार को सी कर देते हैं, निगेटिव मार्किंग पता चला है चारों के चारों उड़ गया ठीक है। अब आते हैं वैसे बच्चों के लिए जो कुछ नहीं पढ़ रहा है एग्जाम में, पहले तो आप अपना से प्लीज़, फिर भी आप अपना से क्वेश्चन बन, अगर आपको लग रहा है कि मेरा 10 ही क्वेश्चन सही बन रहा है, 10 क्वेश्चन मेरा सही बन रहा है, बाकी अब हमसे नहीं बन रहा है, तब तो तुम्हारे लिए क्या है, मरो करो या मरो वाला स्थिति है। मान लो 10 क्वेश्चन आप सही बना रहे हो, 10 मार्क्स आ रहा है, 10 मार्क्स में कुछ नहीं मिलने वाला है, तो अब आपके पास करो या मरो वाला स्थिति है। तो फिर आप क्या करना है, 4A 4B यानी कि चार चार गोला करके रंगते जाना है कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा। या पहले आपको अगर 10 मार्क्स आ रहा है तो उसके बाद एलिमिनेशन मेथड लगाना है ठीक है। अगर मान लो 150 में से 10 को बना रहे हो, तुम्हारे लिए एलिमिनेशन मेथड भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका बेस, देखो रियलिटी को एक्सेप्ट करो, है ना, ऐसा नहीं कि मैं मजाक उड़ा रहा हूँ, नहीं, रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, है ना, इसलिए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। तो पहले एलिमिनेशन मेथड लगाना है, अगर उसके बाद भी ना हो ना, तो चार ए को, चार को ए को यानी कि ए ए ए ए चार को ए को गोला करना है, फिर चार बी यानी कि चार को बी 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 ठीक है, सी तक जाना है, डी में नहीं जाना है ठीक है, डी में नहीं जाना है, डी में बहुत कम, जब ऑल ऑफ द एबव वाला आता है ना तब वहाँ पर चांस होने की रहती है ना। और खास ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन में डी नंबर में ऑल ऑफ द एबव रहे ना, उसको 2 बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और 4 बार ऑप्शन को देखना। और जिस भी ऑप्शन में सी में बोथ ए एंड बी रहे ना, बोथ ए एंड बी, उस क्वेश्चन को भी 2 बार पढ़ना और 3 बार ऑप्शन को देखना ध्यान से, क्योंकि इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपका 90% चांस रहता है कि ये वाला ऑल ऑफ द एबव हो, और 80% चांस रहता है कि बोथ हो, है ना। लेकिन 10% इसमें डुबाने वाला भी रहता है, और 20% बोथ में भी डुबाने वाला रहता है, तो इस पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है ठीक है ना। चलिए, बाकी क्लास तो डेली आपको करवा ही रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बेहतर करके आइएगा ठीक है। और भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।